सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाय पाकी चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम ग्लूकोज की स्टीरियो केमिस्ट्री एंड उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज। फिशर जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताया, उन्हीं के द्वारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट को समझाया गया ग्लूकोज के अंदर। उनके द्वारा जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी गई वो इस प्रकार से है, CHO CH2OH OH H O H O H H O H N H H। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें चार आयरन कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक दो तीन और चार। ये चार काइरल कार्बन हैं, एक दो तीन चार। और उन्होंने बताया कि जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है, देखिए काउंट कीजिए, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स। तीसरे नंबर वाला कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और बाकी OH ग्रुप राइट हैंड साइड। ये देख लीजिए बाकी सब OH ग्रुप राइट हैंड पे है, हमारा जो इस तरफ का जो आंकड़े का वो राइट हैंड कहलाएगा इसका, और इधर का लेफ्ट हैंड साइड। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एटम इस प्रकार से कि वो आपकी तरफ होंगे, और जो CHO की जो कार्बन के ग्रुप है ये बैक साइड होंगे। जैसे कि इस प्रकार देख लीजिए, इस टाइप से CHO के जो ये है बाकी सब ये दूर जाएगी, वर्टिकल लाइन के जो भी एटम होंगे वो पीछे की तरफ और जो OH और H ग्रुप आगे की तरफ होंगे। उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया गया जो पॉइंट है वो इस पर रखते हैं, चार काइरल कार्बन, काइरल कार्बन प्रेजेंट, चार काइरल कार्बन प्रेजेंट है। उसके अलावा इन्होंने बताया कि इसमें 16 कॉन्फ़िगरेशन पाई जाएगी, 16 कॉन्फ़िगरेशन, 16 कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने इस आधार पर बताया कि उन्होंने एक फॉर्मूला बताया 2N, N में काइरल कार्बन की संख्या लिखी जाएगी कंपाउंड के, तो उस आधार पर चार काइरल कार्बन है तो 2N की जगह क्या आएगा 4, तो आंसर आएगा 16। और तीसरा पॉइंट ये कि तीसरे नंबर जो कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। फिशर ने जो बताई है बातें वो निम्न प्रकार से दोबारा बता देते हैं, चार काइरल कार्बन प्रेजेंट होंगे, ये देखिए एक दो तीन और चार, 16 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे और तीन कार्बन OH ग्रुप, तीसरे नंबर जो कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज की कितने आइसोमर पाए जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव
कॉन्फ़िगरेशन। ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, ना कि ये बताएगा कि पीपीएलआई डिसोरोटेटरी के कारण डी है। ये नेमिंग के आधार पर है कि कंपाउंड की नेमिंग के कारण डीएल लिया गया है। कई कंपाउंड में डी लिया जाएगा, कई कंपाउंड में एल। बट ये जो पॉजिटिव साइन है ये पीपीएल लाइट को, जो पीपीएल लाइट है उसे क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। प्लस साइन ये शो करेगा कि ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। इसका नाम आया कहां से ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिशर ने ग्लिसरेल्डिहाइड ग्लिसरेल्डिहाइड को उन्होंने रेफरेंस माना। यहाँ पे ओ एच एच सी एच ओ ओ एच एंड एच सी एच टू ओ एच। इनके अनुसार ये बताया गया जो काइरल कार्बन होगा, सबसे नीचे वाला काइरल कार्बन जो होगा उसके अगर OH राइट हैंड होगा तो कहलाएगा डी ग्लिसरेल्डिहाइड। अगर OH ग्रुप, इसमें क्या बताया गया है कि यदि OH ग्रुप राइट हैंड पर होगा तो डी लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। उसपे जो ये OH ग्रुप अगर राइट हैंड पे है तो डी लिखा जाएगा। ये इसकी मिरर इमेज ही है। अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होगा तो एल लिखा जाएगा, एल ग्लिस डी हाई। इसे प्लस और इसे माइनस ग्लिसरेल। एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिशर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताया। उन्होंने जो बातें बताई वो इस प्रकार से कि ग्लूकोज में चार काइरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 16 आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। फॉर्मूला इस प्रकार से देख लीजिए, जितने भी एन की जगह काइरल कार्बन के नंबर लिखे जाते हैं और तीसरे नंबर वाला कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये सब जो उन्होंने बातें बताई थी वो ग्लूकोज के गुणों के आधार पर स्टडी करके बताई थी। और ये इसका नाम क्या रखा गया था, डी प्लस ग्लूकोज। ये डी प्लस ग्लूकोज जो नाम रखा गया है वो डी
OH, लास्ट वाला जो काइरल कार्बन का ही काइरल कार्बन है उसका जो OH का राइट हैंड साइड होगा तो D लिखा जाएगा और प्लस साइन PPL क्लॉकवाइज रोटेट करवाई होगी। जब कभी भी इस पे ग्लूकोज पे PPL लाइट डाली जाएगी तो जो PPL लाइट है वो क्लॉकवाइज रोटेट होगी, इसलिए इसका नाम डी प्लस ग्लूकोज है। रेफरेंस के रूप में जो लिया गया था वो ग्लिसरेडिहाइड लिया गया था, जिसमें ये शो बताया गया कि अगर OH राइट हैंड साइड तो D लिखा जाएगा या फिर पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो L या फिर बोल दीजिए माइनस लिखा जाएगा। हमारी जो आगे की ग्लूकोज की स्टडी होगी वो D प्लस ग्लूकोज पर ही आधारित होगी, हमारा आज का जो टॉपिक है बाकी इसी पे आधारित होगा। और यदि OH ग्रुप लेफ्ट हैंड पर होगा तो L लिखा जाएगा। ऐसे याद रखना L लिखा जाएगा L फॉर, ऐसे याद रखना लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा जाएगा और D से याद रखना कि राइट हैंड पे जो है ग्रुप प्रेजेंट होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हेमिएसिटेट के काम बनती है। अभी हेमिएसिटेट क्या होता है देखिए, जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई जाएगी ड्राई HCl की प्रेजेंस में, जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई जाएगी रिएक्ट करेगा वो ड्राई HCl की प्रेजेंस में तो हेमीएसिटेल का फॉर्मेशन होता है। हेमीएसिटेल तभी बनेगा जब अल्कोहल एल्डिहाइड का अनुपात सेम हो, एक अनुपात एक, यानी एक मोल अगर अल्कोहल है तो एक मोल एल्डिहाइड लिया जाएगा। आइए इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड लिखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर, ये एच, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, आर डैश ओ एच, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एच सी एल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराएंगे, ड्राई एच सी एल। देखिए जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है इसके बाद दोनों पेयर है वो कार्बन कार्बन को अप्रोच करेगा, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन है ये अपने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले जाएगा। यहाँ से अप्रोच करने का कारण यहाँ से ये ऑक्सीजन अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, जिससे कि इसमें क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आकर नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए हैं। और देखिए ये है, ये है ये आर,
एच, और ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। कार्बन भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किसी काम ये ओ इस पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इससे बॉन्ड बनेगा। तो देखिए ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये आर डैश, और ये हाइड्रोजन, इससे बॉन्ड बनाने के कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था कार्बन के पास, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया था, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, इसके अच्छे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिससे इसमें खुद ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो गई। और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इससे दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा आपकी ओर, जिससे कि ये हाइड्रोजन कम अलग हो जाएगा और H प्लस फॉर्मेशन होगा, H प्लस, ये H रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और ये नेगेटिव चार्ज है, H प्लस पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या है कि देखिए, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ऊपर ऑक्सीजन जिसके साथ बॉन्ड बनाया है इस हाइड्रोजन ने OH, ये नीचे ऑक्सीजन, ये R, ये वाला यार, ये H, और ये है R डैश, R डैश, इसी स्ट्रक्चर को ही हेमी एसिटेट कहा जाता है, हेमी एसिटेट। अब देखिए ग्लूकोज में हेमी एसिटेट कैसे बनता है, देखिए सी एच ओ, सी एच ओ को आप इस तरह से लिखे, देखिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन पे हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन, ये सी एच ओ ग्रुप, इसके बाद एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच और छह, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, छह, सी एच टू ओ एच, ये हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो डी ग्लूकोज की बना रहे हैं, डी ग्लूकोज के। तो देखिए अगर ये डी ग्लूकोज है तो लास्ट वाले का जो काइरल कार्बन होगा, लास्ट वाला ये ही है काइरल कार्बन, पांचवें नंबर का वाला काइरल कार्बन, उस पे राइट हैंड साइड से अगर OH होगा तो वो बन जाएगा डी ग्लूकोज, और फिशर के अनुसार तीसरे नंबर वाले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड OH होता है, तो ये तीसरे साइड OH बना दीजिए, और बाकी में यहाँ पे H, और बाकी सब OH राइट हैंड साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन OH इधर हो चुका पूरा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH और यहाँ H। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी आप फ्रक्टोज ये सब स्ट्रक्चर मिक्स नहीं होगी आपको, अच्छे से ये याद रहेगी, ताकि इसकी जो हवा प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो इजीली आपको याद हो जाए। इसकी रिएक्शन देखिए किस प्रकार से होगी, जो लास्ट वाला कार्बन है ना काइरल कार्बन, उसका जो ये OH ग्रुप है उसमें से ये ऑक्सीजन इसे अप्रोच करेगा कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाला ऑक्सीजन, जिसके कारण ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा अपने पास, जिससे कि ऑक्सीजन के पास क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इसी की तरह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के कारण जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जैसे इसमें ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये अल्कोहल है COH, अल्कोहल, ये क्या है ऊपर एल्डिहाइड है, अल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था देखिए, जिसके कारण यहाँ पे क्या बनेगी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी सी
एक कार्बन दो कार्बन, तीन चार पांच और छह, छठे कार्बन में CH2OH, ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा और इसमें ऑक्सीजन, ये देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इस प्रकार से दिखाया गया है। अब देखिए OH ग्रुप, अगर OH जो ये ऑक्सीजन CHO ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, जब इसका ऑक्सीजन कार्बन को आगे से अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तब OH रिंग के अंदर आएगा। अब वो से करेगा अगर अप्रोच तो रिंग के अंदर OH ग्रुप हो आएगा, अगर बिलो यानी पीछे से करेगा बॉन्ड बनाने के लिए तो रिंग के आउटर साइड यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड बैक से बनाता है, पीछे से इस तरफ से बॉन्ड बनाता है तो आउटर में OH ग्रुप लगेगा, जिसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। देखिए पहले स्ट्रक्चर पूरा कर लीजिए, दूसरा पहले नंबर वाला कार्बन OHH, ये वाला कार्बन देखिए OH किस तरफ है, इस तरफ है ना, इस तरफ लिख दीजिए OH, यहाँ H, तीसरे नंबर वाले कार्बन पे H अंदर की साइड है, अंदर के साइड लीजिए OH बाहर की साइड, चौथे नंबर पे OHH और यहाँ पे भी एच चाहिए। अब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर, जब OH आउटर साइड होगा रिंग के तो बनेगी कार्बन सेम होगी, बस इसमें OH पोजीशन चेंज कर दीजिए, यहाँ OH यहाँ एच, कार्बन चार पांच और छह CH2OH, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फाइव वाला, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फाइव बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन फर्स्ट और कार्बन फाइव के बीच बॉन्ड क्यों बनाने, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में होगा, क्योंकि सिक्स मेंबर जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, सिक्स मेंबर रिंग स्टेबल होती है। स्टेबल होने के कारण ये पांचवें नंबर कार्बन के साथ रिएक्शन इसकी होती है CHO की। आइए एक बार और देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, जब कभी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई जाएगी तो हेमी एसिटेट फॉर्मेशन होगी, ये वाला जो ऑक्सीजन है अल्कोहल वाला ऑक्सीजन जिस प्रकार इसमें है अल्कोहल वाला ऑक्सीजन, ये अल्कोहल है ये एल्डिहाइड है, इसमें भी ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को, जिससे कि कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि इसमें नेगेटिव चार्ज है इसी की तरह से, और फिर क्या होगा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जो ये वाला हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के कारण, क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन लेके चला गया था, जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था जिसके कारण कार्बन से पॉजिटिव चार्ज था, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण खुद ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है अपने साथ जो रहता है जिसका हाइड्रोजन होता है उस
उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिसके कारण वो एच प्लस रिमूव कर देता है। और ये वाला जो ऑक्सीजन जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए थे, नेगेटिव चार्ज आ गया था, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा जिससे कि अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। ये वाला अल्कोहल वही है जो ये वाला ऑक्सीजन है, इसी से ये अल्कोहल फॉर्मेशन हुई है। क्यों ये? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, उसे कम करने के लिए उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। और ये वाला ऑक्सीजन ही, ये जो बॉन्ड बीच में ये जो ऑक्सीजन दिखाई गई है वो यही है, ये वाला ऑक्सीजन। अगर इनर साइड रिंग के इनर साइड ओएच ग्रुप होगा तो यानी कि जो बॉन्ड बनाया गया है आगे से कार्बन पे अप्रोच करके ओएच ने बनाया है जो ये अल्कोहल ग्रुप है। और अगर बैक साइड से होता है तो ओएच बाहर की तरफ बनता है। आप पहले इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे इसके बारे में और बताते हैं बातें। आइए हम इसे रद्द कर देते हैं। और अब हम शुरू करते हैं एक बार फिर वही स्ट्रक्चर जो हमने एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन से बनाई थी। छह कार्बन थे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, जिसमें कि पहले नंबर कार्बन जो बॉन्ड बना रहा था वो पांचवे नंबर कार्बन के साथ, ये है वो ऑक्सीजन देख लीजिए। यहाँ पे CH2OH था, अभी देखिए फर्स्ट नंबर कार्बन पे अगर जैसे कि मैंने बताया था OH अगर रिंग के अंदर होगा तो कहलाएगा कि वो अब से OH ने रिएक्शन करी है कार्बन के साथ, अल्कोहल है जो ये उसने एल्डिहाइड के कार्बन के साथ रिएक्शन करी है, वो अब करी है कार्बन के साथ। और अगर OH बाहर होगा तो बिलो, अगर अंदर के साइड है तो उसका नाम रखा जाएगा अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी टी क्यू, क्योंकि OH इस तरफ था लास्ट वाला OH, वो पांचवे नंबर कार्बन पे जो ये जो काइरल कार्बन था नीचे से लास्ट वाला जो काइरल कार्बन था उस पे राइट हैंड साइड OH ग्रुप था जिसके कारण डी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डी किसके लिए आता है, जो लास्ट से ऊपर का जो कार्बन का होता है यानी काइरल कार्बन या फिर कहते हैं लास्ट वाला काइरल कार्बन जो होगा अगर OH राइट हैंड साइड होगा तो डी। और अल्फा नाम है इस OH के कारण, अंदर के साइड OH के कारण, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। इस कंपाउंड में हम बाकी सब एटम लिख देते हैं। देखिए OH है यहाँ H, फर्स्ट नंबर कार्बन, ये कितना फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। तीसरे नंबर कार्बन पे OH कहाँ पे दिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी राइट हैंड साइड OH लिखे जाएंगे, OH H, तो ये OH यहाँ H, तो ये H। इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। जैसे कि मैंने बताया अल्फा किस लिए लगा है, क्योंकि OH रिंग के अंदर है तो कहलाएगा अल्फा डी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे OH था, OH के कारण ही तो यहाँ पे बॉन्ड बना है, अल्कोहल हाइड्रोजन होता है इसके कारण यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए डी नाम आया यहाँ पे। और ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज। अब बनाते हैं हम बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में बस ये डिफरेंस है, ये जो फर्स्ट वाले जो कार्बन पे OH ग्रुप है वो रिंग के बाहर होगा, बाकी एज इट इज ही स्ट्रक्चर है। देखिए कार्बन, एक नंबर कार्बन, दो, तीन, चार, पांच और छह, CH2OH। पहला नंबर कार्बन बॉन्ड बनाएगा पांच नंबर कार्बन से, और बाकी एटम की पूरी जो
जो पोजीशन यहाँ पे हाँ पे लिख दीजिए। और जैसे मैंने बताया ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज, इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। इसका बीटा डी नाम क्यों है, क्योंकि बीटा इसलिए क्योंकि इनके बाहर OH ग्रुप है। और तीसरे नंबर कार्बन पे हमें OH लेफ्ट हैंड साइड ही बनाना है, ये पहला दूसरा ये तीसरा, तीसरे पे OH बनाया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जगह जो OH लिखे जाएंगे वो राइट हैंड साइड। OH यहाँ पे H OH एंड H यहाँ H H, इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज, इसका नाम बीटा डी ग्लूकोज। ये पाइरिनोज स्ट्रक्चर से मैच करता है, आइए किस प्रकार से देखिए। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, फाइव पाइरिनोज जो रिंग होती है उसमें पांच कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसी की तरह देख लीजिए इसमें रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। देखिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में, यहाँ ऑक्सीजन और ऐसे दो स्ट्रक्चर बना दीजिए अल्फा डी ग्लूकोज के लिए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के लिए। अब से देखिए इस पे ये बोन इस प्रकार होंगे, रिंग के जो अंदर के साइड जो भी कंपाउंड होंगे वो नीचे की तरफ इस तरफ लिखे जाएंगे, जितने भी रिंग के अंदर के साइड होंगे। मैंने क्या बताया, देखिए जितने भी रिंग के साइड वाले जो कंपाउंड होंगे एटम होंगे जो भी, वे सब नीचे के साइड लिखे जाएंगे, और या फिर कह लीजिए राइट हैंड साइड पे जितने भी होंगे वो सब नीचे के साइड, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो होंगे वो ऊपर के साइड लिखे जाएंगे। देखिए और अंदर के साइड है तो ये नीचे लिखा जाएगा, और इस पॉइंट को क्या मानते हैं, यहाँ पे कार्बन है, इसे कार्बन ना लिखे सीधा ही थोड़े को कार्बन कहा गया है, और ऊपर की साइड होगा हाइड्रोजन। अब ये देख लीजिए OH अंदर की साइड है तो नीचे लिखा जाएगा OH, और H ऊपर के साइड, H रिंग के अंदर है तो नीचे लिखा जाएगा, और OH बाहर की तरफ है तो वो ऊपर। अब इसमें देखिए OH कहाँ है, रिंग के अंदर तो नीचे की तरफ लिखा जाएगा, और H ऊपर, और ये रह गया एक CH2 OH और H, ये दो कंपाउंड रह गया CH2OH CH2OH, और यहाँ पे ये बचा हुआ है H लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या है कार्बन, ये जितने भी कोने हैं इनपे क्या है कार्बन दिखाई गए, ये वाले कार्बन है जो वे शो कर रहे हैं ये कोने। आइए इसे देख लेते हैं, इस तरफ के जितने भी कंपाउंड होंगे वो नीचे की तरफ लिखे जाएंगे, इस तरफ पहले नंबर कार्बन पे, ये पहला नंबर कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, यहाँ पे सिक्स नंबर कार्बन लिखा जाएगा। तो उसी हिसाब से पहले नंबर कार्बन पे एच, रिंग के अंदर है तो नीचे की तरफ एच, और OH ऊपर की तरफ, अब OH रिंग के अंदर की तरफ है तो नीचे लिखा जाएगा, और H ऊपर, यहाँ पे तीसरे नंबर कार्बन पे H रिंग के अंदर है तो नीचे, और OH ऊपर, रिंग के अंदर OH तो नीचे और H ऊपर, और ये छठा नंबर कार्बन ये रहा उसे यहाँ लिखा जाएगा CH2OH, और बचा हुआ H ये जो है वो यहाँ, इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। इसका नाम चेंज क्यों हुआ है, इसका कारण ये है
कि जो पहले नंबर वाला कार्बन है इस पे जो अटैच एटम है उनके डायरेक्शन चेंज हो गई है, उनकी जो स्थिति है वो चेंज हो गई है, जिसे कहा नेम नाम इसका चेंज हुआ है अल्फा और बीटा। रिंग के अंदर है ये OH तो अल्फा, रिंग के बाहर है OH तो बीटा, जिसके कारण इन्हें एनोमर्स भी कहा जाता है, और जिस कार्बन के कारण अल्फा बीटा जो ये ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इन्हें एनोमर कहा जाता है। और जो ये जिस कार्बन में चेंज के कारण ये बनते हैं उसे एनोमर कार्बन कहा जाता है। किसी भी बल्ले संरचना पे जब एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो काइरल कार्बन में चेंज हो गया है, जिस भी स्ट्रक्चर में बल्ले साइक्लिक स्ट्रक्चर जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी उसमें जो CHO ग्रुप होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो पहले OH CHO ग्रुप था, जो CHO ग्रुप था साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने से पहले जो CHO ग्रुप था और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद जो CHO ग्रुप चेंज इन काइरल कार्बन, जैसा कि हमने बताया था कि ग्लूकोज पहले कितने काइरल कार्बन थे, चार काइरल कार्बन थे। आप देखिए कितने काइरल कार्बन थे, ये यहां से देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे OH से, यहाँ H से, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी काइरल कार्बन है। इन चार अलग अलग एटम से अटैच है ये वाला कार्बन, तो ये काइरल कार्बन पर भी चेंज हो गया। पहले ये क्या था, CHO एल्डिहाइड ग्रुप था जो कि चेंज हो गया है काइरल कार्बन में। जब कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो से पहले जो CHO ग्रुप चेंज हो जाता है काइरल कार्बन में, और वो काइरल कार्बन जो काइरल कार्बन होगा वो आइसोमर बनाए, उसे एनोमर कहेंगे, उसे एनोमर कहा जाता है। तो ये क्या है, पहले नंबर कार्बन में जो चेंज आया है इसी कार्बन को क्या कहा जाता है, एनोमर कार्बन, एनोमर कार्बन, जिससे जो जिस कार्बन से एटम की जो व्यवस्था है वो चेंज हो जाए और नया आइसोमर बने उसे एनोमर कार्बन कहा जाता है। तो ये वाला कार्बन क्या है, एनोमर कार्बन, और एनोमर जो आइसोमर होंगे वो है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। आज हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास ग्लूकोज की स्टेट चेंज स्ट्रक्चर थी, उसके क्या रीजन रहे, क्यों साइंटिस्ट ने आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में सोचा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।